लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाले थे, देर कैसे हुई? तुम्हारे लिए कुछ खरीद रहा था। क्या? ये देखो। ये तो मेरे पास है। और खरीदने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम्हारे घुंघरू सिर्फ तुम्हारा कहना मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ बचपन से पले है ना, मेरी आवाज सुनते ही नहीं। तुम्हारा मतलब है ये घुंघरू सिर्फ तुम्हारा कहना मानेंगे? हाँ। कमाल है, पहनने वाले में, नाचने वाले में तुम्हारा कहना क्यों मानेंगे? अच्छा, मेरा कमाल, अब मैं जैसे चाहूंगा वैसे ही तुम नाचोगी। Thank you.
आशीर्वाद दीजिए दादाजी। तुम खुद तो भ्रष्ट हो चुके हो, इन मासूम बच्चों को भी भ्रष्ट कर रहे हो। भ्रष्ट? मैं तो इनको जीने की राह दिखा रहा हूँ, पैसा कमाने का तरीका सिखा रहा हूँ दादाजी। और मैं, अरे तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? जब राजा महाराजों के महल बिक गए और वहाँ 5-स्टार होटल बन गए, जब लोग आज सिर्फ पैसों को ही भगवान मानने लगे, सुने दो ना उनको, जब लोगों का भगवान पर से भरोसा ही उठते जा रहा है, तो क्या गारंटी है कि कल ये मंदिर रहेगा, ये पुजारी रहेंगे, ये वेदा रहेंगे, तब कौन भरेगा इन बच्चों का पेट? इसीलिए मैं इन बच्चों को गाना बजाना सिखा रहा हूँ, चुप, ताकि रास्ते के किसी कोने पे गाना गा के चवन्नी कमा सके, अपना पेट भर सके, सिर्फ वेदा पढ़ के मुझ जैसा बेकार न बने। क्यों दादाजी का क्रोध बढ़ा रहे हो देवा? अरे मैं क्या उनका क्रोध बढ़ा रहा हूँ, मैं तो उनको नग्न सत्य समझा रहा हूँ। इस तरह से ठीक है, उनकी भाषा में समझाता हूँ। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरी यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। कोई सुनने को तैयार नहीं। चपली वाले टपली बजा, मेरे घुंघरू सुनाते हैं मैं नाचू तू नचा। बाबा आप चलिए, मैं घर के लिए सब्जी लेकर आता हूं। आइए आइए छोटे भगवान, बैठिए बिराजिए। देखो देवा, तुम्हारे पिताजी इस मंदिर में पुजारी हैं और दादाजी इस गांव के सबसे बड़े महंत हैं, और तुम इस महान खानदान के अकेले वारिस हो। इस तरह के ओछे काम करके तुम क्यों अशांति फैलाते हो? शांति फैलाने के लिए तुम जो हो, जो भी हूं, हूं तो मैं अनाथ, लेकिन मेरे इस महान खानदान ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बेटे का दर्जा दिया, तुम्हें मेरी जगह दी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, तो मैं छोड़ के चला जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करना, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा है? अरे भाई तुम तो जानते हो मैं तो नग्न सत्य बोलता हूँ, इसीलिए तो घर वालों ने घर से बेघर कर दिया। तुम चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन होगा, मुझसे साफ दिल से बात कौन करेगा है? 5 रुपया है तुम्हारे पास? तुम उसे समझाने गए थे, कोयले को सफेद करने से कोयला सफेद नहीं होता है नंदू, वो हाथ से निकल चुका है। देवा के बारे में कह रहे थे ना,
क्या करूं उसका, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम्हारी जगह उसने मेरी कोख से जन्म लिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, वो बह गया है, ऐसा ऐसा समझ जाएगा। हाँ माँ। आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, और राजू आओ। अरे ये रघु है 11वां, राजू तो 10वां है, शहर में है। ओ, अच्छा। ये रघु डॉक्टरी पढ़ने जा रहा है, डॉक्टरी पढ़ने जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेने आया है। अच्छा अच्छा, तो पिताजी के आने की प्रतीक्षा करेंगे या? प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। ये ठीक है कि मंदिर हमारे पुरखों ने बनाया है, लेकिन भगवान तो महंत जी के ही है ना, प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। महंत जी आ गए। नमस्कार नमस्कार। कितनी प्रसन्नता की बात है कि इस साल मंदिर के उत्सव पर पहली बार आपकी भांजी नृत्य करने आ रही है। भगवान करे अगर इसी बहाने दोनों कुटुंब का फिर से मेल हो जाए तो कितनी शुभ बात होगी। पिताजी उस संध्या, सुन लिया, क्या बात है? देवी माँ के उत्सव में नाचने जाना है ना? तो क्या हुआ, पहली बार थोड़ी कहीं नाचने जा रही हो? नाना जी के गांव में पहली बार नाचूंगी ना, जो उस देवी माँ के मंदिर के महंत हैं। महंत? जिनके कहने पर गांव चलता है, जिनके नाम से घरों में बच्चे छुप जाते हैं, वही शंकर चतुर्वेदी तुम्हारे नाना है? हाँ, जिनके मुंह से निकली हुई हर बात अधिकार होती है, वही मेरे नाना है। उसी अधिकार ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने उनके मन के विरोध मेरे पिताजी से शादी कर ली थी, जो उस समय एक मशहूर कथक सम्राट थे। और उसी दिन से नाना जी के दिल के दरवाजे हम पर बंद हो गए। अब मैं पहली बार उसी गांव में नाचने जा रही हूँ। पता नहीं अभी तक उनके क्रोध का गांव भरा या नहीं, पता नहीं वहां मुझसे नाचा भी जाएगा या नहीं। पुजारी जी, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। कृपया चढ़ा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ? पुजारी जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या, मेरे क्या बच्चे को बचा लीजिए, बहुत बीमार है। वैद्य ने कहा सिर्फ भगवान ही सहारा है, ये चढ़ा दीजिए, बस ये चढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को बचा दीजिए। रो मत, बच्चे को बचा, सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नंदु, रघु है, डॉक्टर पढ़ने जा रहा है। अबे आशीर्वाद ले, बस बस ट्रेन का टाइम हो रहा है। अबे चुप। नंदु जी, पिताजी सुना कि आज फिर देवा ने कुछ? कुछ नहीं पिताजी। अबे खांसना बंद कर, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ये बीमारी मुझे आप ही से मिली है पिताजी। ये तुम्हारा है? अब तेरी वजह से 3 बार मुझे गंगा नहाना पड़ेगा और 4 दिन उपवास रखना पड़ेगा। माफ कर देना, मेरे बच्चे बहुत बीमार। तो क्या हुआ, तुझे मालूम नहीं कि उसे मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर जाने का समय है और इसको तुम हमारे चली गई? तूने मुझे छू लिया, तू भी भ्रष्ट हो गया। बाबूजी चलिए ना, मेरे ट्रेन का टाइम। अगर अब हमने तुम्हें यहाँ देखा ना तो जान से मरवा दूंगा। उधर रख लीजिए। पुजारी जी, लो माँ। पाप किया पाप, अब भ्रष्ट हो गए। पाप? हाँ वो हरिजन है, हरिजन। तो हरिजन को छुआ ना, आप नर्क में जाएंगे, नर्क में। किसने बताया? मेरे परदादा ने दादाजी को, दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने मुझको, और मैंने आपको बताया। भ्रष्ट हो गए। संभल के उतरना और साजों को भी संभाल के उतारना। आ,
राम कैसे हो? घर में सब कहें? सब ठीक है। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? आओ संध्या, आओ आओ ना। मैं तुम्हें बताया करता था ना, ये हैं तुम्हारे मामा राम नारायण चतुर्वेदी। कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी नृत्य कला की प्रशंसा, तुम्हारे नाम का बोलबाला बड़ा सुना है। इन्हें सिर्फ सुनने की आजादी है, यही इनका भाग्य है। लेकिन आंख होते हुए भी नहीं देखना, दिल की बात जुबान पे आते हुए भी ब्रु 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 नहीं बोलना, ये इनका दुर्भाग्य है। क्योंकि भाग्य और दुर्भाग्य की चाबी तो दादाजी के हाथ में है। ये अपना देव नारायण चतुर्वेदी, हाँ। मेरे पिताजी और तुम्हारा ममेरा भाई। चुप जाओ, जाओ घर जाओ। अरे ये इनका एक और दुर्भाग्य है, जो बताना चाहते हैं कि मैं घर में रहता हूँ। अरे मेरा तो घर होते हुए भी बेघर हूँ, जैसे कि आप लोगों का घर होते हुए भी आपको धर्मशाला में ठहराया जा रहा है। पूछे इनसे, पूछे। गोपी तुम तो मेरी मजबूरी जानते हो। कोई बात नहीं, उनका क्रोध भी आशीर्वाद है, चलो उनका आशीर्वाद ले। चलो जाइए 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 जाइए, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये संध्या है, आपकी नातन। आओ संध्या। नमस्ते। आज शाम को इसके सुना है, अगर आप आकर आशीर्वाद दें। प्यारी बच्ची है, बिल्कुल माँ जैसी। भगवान की मर्जी होती तो यही पली होती। ये मैं हजारों बार सुन चुका हूं। क्या है? गोल गोल बात मत करना, सीधा पूछ लेना कि संध्या के कार्यक्रम में हम लोग जा सकते हैं कि नहीं। कितनी बार समझाओगे, मैं जानती हूँ, मैं संभालूंगी सब। पानी कुछ चाहिए? कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा वो पिताजी पानी नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए? कितनी बार पूछोगे पिताजी? क्या यहाँ वो आवाज बहुत आ रही है, नीचे जाकर आराम से सो जाइए ना। वहां जाने के लिए गोल गोल बातें कर रहे हो। मैं नहीं, बहू। जाओ सब जाओ। अच्छा नंदू। जी बाबा। तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। बाबा आप सो जाइए, फिर चला जाऊंगा। मैं सो जाऊंगा, तुम जाओ।
उसकी नजर उतार लेना। ये क्या तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारे पैर थके नहीं? हाँ थके तो हैं। तुम्हारी नजर उतार ली? हाँ मैं ठीक ना जीती ना? सिर्फ ठीक? तुमने तो अपने रूठे नाना का दिल जीत लिया। आओ पैरों में लगा दूँ। अरे नहीं नहीं। अरे लगा लो नहीं तो कल तक सूज जाएंगे। अगर तुम पर मेरी जिम्मेदारी आ गई तो तुम तो मुझे जमीन पर पांव भी नहीं रखने दोगे। नहीं रखने दूंगा। इतना बड़ा दिल जो है। साफ साफ साफ। आपने कल बंसी बजाया? क्या बजाया? मैं भी पेटी सीखता हूँ लेकिन मेरे पेटी में सिर्फ तीन सुर है। सा रे गा। बच्चों के लिए तीन सुर ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तुम जल्दी नहाकर मंदिर आओ। जाओ। तुम बहुत अच्छी बंसी बजाते हो। धन्यवाद। आपको कल का कार्यक्रम अच्छा लगा? मुझे ही क्यों, सारे गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने तो संध्या की नजर भी उतराई। वो तो संध्या के नाना है। तुम्हें कैसे मालूम? ओह संध्या ने बताया होगा। मैं इस मंदिर में पुजारी हूँ नंदू। मैं हरी। तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। धन्यवाद। अगर समय मिले तो देवी माँ का आशीर्वाद लेते हुए जाना। जी। साफ साफ बच्चे को 300 ठीक है ना? ए, 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 अरे, ए, ए, पंडित जी। क्या बात है? देखिए ये मेरा हमेशा पीछा करते रहते और मुझे छेड़ते रहते। तुम जाओ। क्यों देवा? ये नग्न सत्य है कि मैं इसका पीछा करते रहता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। देवा तुम जानते हो कि वो शादीशुदा है और हमें बचपन से सिखाया गया है कि शादीशुदा औरतों को देवी की तरह देखना चाहिए। लेकिन उसका पति तो उसको छोड़ के चला गया है। फिर भी वो अपने पति को पति मानती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, वो हम सबके लिए देवी है। तुम्हें देवी दिखाई देती? हाँ। मेरे को क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि तुम उसे पवित्र मन से स्वच्छ विचार से नहीं देखते। देखोगे तो तुम्हें भी देवी नजर आएगी। लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसा होगा? प्रयत्न करो। ठीक है कोशिश करता हूं, गारंटी नहीं देता हूं। ची 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 मूंगफली। मूंगफली मैंने पवित्र मन से देखा तो बुढ़िया होगी और मूंगफली बेचने लगी। नहीं ये नहीं हो सकता। अम्मा आप जाओ, आप जाओ। सुनिए ये क्या बांध रहे हैं? इन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। इस पेड़ पर झूला बांधने से इनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये पेड़ तो हजारों साल पुराना है। कहते हैं देवी माँ ने खुद अपने हाथों से उगाया इस पेड़ को। क्या चाहिए? झूला। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। इतनी शक्ति है इस पेड़ में। अच्छा
और जिसकी शादी ना हुई हो तो? उसकी शादी हो जाएगी और बच्चा भी हो जाएगा। तो लाओ हमें भी एक झूला दो। इस समाज का अंधविश्वास तो हमें एक नहीं कर सकता। देखते हैं इस पेड़ में कितनी शक्ति है, ये झूला हमारे भाग्य को किस तरफ झुलाता है। नंदू जी, मैं संध्या का नाना हूं। जानता हूं बाबा। और तुम ये भी जानते होगे कि बरसों पहले मैंने अपनी बेटी से संबंध क्यों तोड़ा था? जी। क्या मैंने ठीक किया था? जी नहीं, मेरे विचार से आपने ठीक नहीं किया था। बाबा मैं आपसे हर तरह छोटा हूं, उम्र में भी और समझ में भी, लेकिन बाबा आपकी बेटी ने एक मनुष्य से नहीं उसकी कला से प्यार किया था, और कला से प्यार करना कोई पाप नहीं। लेकिन पंडितों के खानदान की एक लड़की का घुंघरू पहनकर हर किस्म के गाने पर नृत्य करना क्या बाबा थी? कल रात ही तो आपने संध्या का नृत्य देखा, कितनी पवित्रता थी, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा थी उसके नृत्य में। तुम्हें पसंद आया? किसे पसंद नहीं आएगा बाबा, साक्षात देवी का रूप लग रही थी। बाबा आज हम लौट रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। क्या संध्या मेरा आशीर्वाद नहीं लेगी? जी मैं अभी उसे ले आता हूं। सुनो जी, घुंघरू भी साथ लेकर आए। जी बोला, पिताजी किस मुद्रा में हैं? शांत है, शांत। पिताजी आपने मां के कंगन मंगवाए थे, कोई विशेष? ना होना जो दो। जातवेदसे सुनवामसो मम राति यतो निदहाति वेदः।
परुषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुं दुरितात्यग्निः कामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् नेत्रं पारयानं यो अस्मान् स्वस्ति विलति दुर्गाणि विश्वा विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि कृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमात् सरस्तात् स नः परुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षाम देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीज्यो अध्वरेषु सनाक्षरोतानव्यश्च सत्सी कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् पहना दो। नमस्कार नमस्कार। वाह, तुम सब लोग यही चाहते थे ना कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आज मैंने संध्या को स्वीकार किया, नातिन के नाते नहीं, बहू के नाते। नंदू, आज मैंने संध्या का विवाह नंदू से करने का निर्णय किया है। विवाह अगली दशमी को होगा, तैयारी करो। नंदू, नंदू आज शुभ दिन है, जाओ जाकर माँ की आरती करो। जाओ बेटे जाओ। ले पेरुखा, ले ना।
तू भी खा ले। आ? क्यों? अच्छा भूल पाऊंगी? क्या म्यारी की इस बंसी को भूल पाऊंगी? कैसा मिलन था वो? हम से ही सीखा
बहुत बात कर रही है, बात भी करेगी गीत भी गाएगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो छू दिया। गुरुजी? कौन गुरुजी? बोले टकलुआ, जब तक मैं तुझे सिखा ना दूंगा गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन कौन है वो, क्या नाम है? क्या बजाते हैं वो? बस किशन भगवान उनके सामने बीस पड़ जाए तो पड़ जाए, और कोई तो मेरे गुरु के सामने टिक ही नहीं सकता। गुरु हो तो ऐसा। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे गुरु को बहुत जल्दी, बस 5-10 साल में लोग मुझे पंडित टकलवार बुलाएंगे ना दीदी। आप भी बुलाएंगे ना? मैं तो आज से ही बुलाऊंगी, ठीक है? मेरे गुरुजी का नाम है हरिमोहन। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये दिया? ओ, फिर बोले किसकी पूजा कौन करेगा, कोई ऐसा हो जिसे संगीत का ज्ञान हो। मैंने कहा संध्या दीदी जो है। अरे, मुझे बीच में क्यों लाए? मैं कल आया, गुरुजी ही लाए, वो आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, उन्होंने आपका नृत्य भी देखा है और कह रहे थे कि उनके घुंघरू में सरस्वती निवास करती है, और उन्होंने कहा कि पूजा भी उन्हीं से करवाना। दीदी कीजिए ना, कीजिए कीजिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए आती हूँ। अरे ये क्या हुआ, लगता है धूप में सूर सूख गया, फिर वही फुई फुई। बस बस बहुत हो गया, धन्यवाद। ये लो, इसमें बांध दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी मेरा हाथ का छुआ कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। उनके लिए मैं और देती हूँ, तू तो ही खा ले। खोलिए खोलिए। तूने मेरे बारे में जरूर कुछ बताया होगा, इसलिए संध्या जी ने इतना सब कुछ भेजा। मैंने क्या कहा, दीदी तो सब जानती है आपके बारे में। मेरे बारे में? मैं तो एक परदेसी हूँ। मैं आपके बारे में बब्बा करा था, दीदी अक्लमंद है ना, वो मेरे बब्बा को जान रही थी और आपके बारे में सब जान गई। वो कैसे? मैंने कहा कि जब हम मंसी में फूंक करते हैं तो उस तरफ से उफ्फू ही निकलती है, लेकिन जब गुरुजी फूंक करते हैं तो क्या धुन निकलती है, और वो भी क्या सुर में। और जब मैं ये कह रहा था तो दीदी ऐसे सुन रही थी। अच्छा, फिर इसी से पता चल गया कि आपको संगीत का कितना ज्ञान है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मैं बंसी ना सीख लूं। फिर उन्होंने आह कहा। फिर मैंने कहा कि गुरुजी आपके नृत्य की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऐसे देखा जैसे आपको देख रहे हो, मुझे नहीं। फिर मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे कर लूं? आप पूछिए, मैं जवाब ले आता हूं। दीदी 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 दीदी, क्या है ये? चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, आपने खाना भेजा, दे दिया, उन्होंने चिट्ठी भेजी, दे दिया, जवाब दोगी, दे दूंगा। हाँ।
दीदी। हाँ जल्दी जवाब दीजिए, मुझे जाना है। अरे अरे गुरुजी, 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 जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं आपके सवाल का जवाब लाया हूँ, जवाब लाया हूँ, आइए ना। क्या हुआ? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जवाब लाया हूँ। बेसुरी को सुरमी कब लाओगे? जब आप बंसी की पूजा करेंगे।
जैसे कहीं निकला हो सुबह का तारा, आज सब कुछ कितना लगता है प्यारा। जैसे कहीं निकला हो सुबह का तारा, आज सब कुछ कितना लगता है प्यारा। संगीत का असर हो रहा, ये टकलू को क्या हो गया? बड़े सुर में बंसरी बजा रहा है। उसे एक गुरुजी मिल गए हैं, उन्हीं से सीख रहा है। गुरुजी? हाँ पिताजी, वो कह रहा था भगवान कृष्ण के बाद उसके गुरु से अच्छी बंसी बजाने वाले ने जन्म ही नहीं लिया। अच्छा, कौन है वो? वो हमारे रामपुर के कार्यक्रम में जो लोगों में से उठकर बंसी बजाई थी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बंसरी बजाता है। पिताजी, वो चाहते है कि क्या हमारे कार्यक्रम में बंसी बजाएं। हाँ ठीक है, बुला लो उसे, बात कर लेते हैं। तुझे कितनी बार कहा ये गांव के पानी को हाथ से लगाना, तूने आज सारा गांव का पानी खराब करके रख दिया। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तेरी हड्डी पर से एक करके रखूंगा। गंदी नाली के कीड़े अगर तेरे को पानी पी रही है तो तू अपने अपने गांव का पानी जाके पी। हर जगह से मेरी लड़कों के सामने जूता मार के सिखा रहा हूँ। बच्चों को यूं मारते हुए शर्म नहीं आती क्या? वो टकलू क्या हुआ बता? मैं गैया लेके गुजरा था। हाँ। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया, इन लोगों ने मुझे मारा, बहुत मारा। बच्चे को प्यास लगी और तुम लोगों ने इसकी ये हालत कर दी। ये बच्चा गंदी नाली का कीड़ा है, अछूत है, थू हरिजन है, इसने हमारा सारा पानी वेस्ट कर दिया। ने कहा पानी की जात ब्राह्मण होती है? ब्राह्मण घाट पर नहीं पी सकता। अच्छा? हाँ, नहीं पी सकता। जा टकलो, अपनी प्यास बुझा कर। ए, तुम कौन होते इसकी वकालत करने वाले? नहीं गुरुजी, नहीं। मैंने कहा ना जा। ए! Ha 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 ha
क्या किया तुमने? वो लोग टकलू को मार रहे थे। टकलू ने मुझे सब बता दिया। बता दिया ना? ये नदी दिख रही है संध्या जी, इसका जन्म कहां हुआ किसी को पता नहीं, फिर भी अपने रुख के साथ पहाड़ों को, पत्थरों को, मिट्टी को, कीचड़ को, पवित्र अपवित्र हर किस्म की अच्छाई बुराई को छूकर बहती रहती है। तो क्या इसमें का छूत के पानी पीने से यह नदी मैली हो जाती है? ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी लड़ाई तो रोज ही होती रहती है। रोज कोई ना कोई किसी न किसी को मारता रहता है, ये कोई नई बात तो नहीं? जानता हूं ये कोई नई बात नहीं है, बचपन से मार जो सहता आ रहा हूं। क्या मैं भी हरिजन हूं संध्या? जैसे तुम्हारे ब्राह्मण होने पर तुम्हारा कोई बस नहीं, इसी तरह मेरे हरिजन होने पर मेरा भी कोई बस नहीं, और यही हम दोनों का दुर्भाग्य है संध्या। मगर मैं अपने हरिजन होने पर शर्मिंदा नहीं हूं, अगर भगवान ने मुझे हरिजन बनाया है तो वो शर्माए, अगर समाज ने मुझे बनाया है तो वो शर्माए। मैं तो बचपन से इस दीवार से टकराता चला आ रहा हूं, और बच्चों की तरह मुझे भी वेद मंत्र पढ़ने का शौक था। मगर हरिजन हरिमोहन मंदिर कैसे जाता, तो मैंने जनेऊ चुराया और गले में डालकर मंदिर जा पहुंचा, वेदांत पढ़ने लगा, गुरुजी महाराज का सबसे चहिता शिष्य बन गया। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला गुरुजी हरिजन, वही हुआ जो होता आया है, उन लोगों ने मुझे मंदिर से बाहर फेंक दिया और मेरे धागे के जनेऊ को तोड़कर चलते दहकते लोहे के जनेऊ मेरे गले में डाल दिए। और जिंदगी भर के लिए मुझे ब्राह्मण बना दिया, मुझे संगीत का ज्ञान भी चोरी से मिला। लेकिन मैंने तुमसे कोई चोरी नहीं की संध्या, ना कोई बदला लिया है, हमें एक दूसरे के करीब तुम्हारी पायल और मेरी बंसी ले आई, जिनमें सरस्वती निवास करती है, जिनका ना कोई धर्म होता ना कोई जात। लेकिन मैं भूल गया था संध्या कि संगीत और समाज में बहुत फर्क है। तुम पूछोगी मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं, धोखे में क्यों रखा? अगर धोखे में रखना होता तो आज भी नहीं बताता। संध्या हम दोनों की एक ही जाति है, मानव जाति, और यही सच है, एक छोटा सच। Thank you.
तेरी जिंदगी के रागिनी पर, तेरी जिंदगी के रागिनी पर मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुर जी मुझे फिर से अपना लेंगे। ये तो अपनी संध्या की किस्मत है। उसी ने अपने नाना का दिल जीत लिया। शादी कब की तय हुई है? ये तो मैंने अपने ससुर जी पे छोड़ दिया है। ओह हाँ लीजिए चलो। विकास विकास जल्दी आ, इधर मिठाई बन रही है। बैठ जल्दी आ, जल्दी आ राजू, बैठ ना। क्या है? नीचे बैठ राजू। इतना शर्माना अच्छा नहीं, शर्माना वहाँ।
तुम्हारे दूल्हे का नाम क्या है? ब्रह्मानंद चतुर्वेदी। बचपन से उस अनाथ बच्चे को संध्या के नाना ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही गुण वही चाल चलन। प्रणाम गुरुजी। ऐ टकलू इधर आ, ये ले, वैसे ही संस्कार बिल्कुल उन पर गया है। हरी तू भी ले ले। मैं ना हूं। बेटी के मुंह में जबान नहीं होती, जो भूखे पे ये नहीं कह सकती थी मैं भूखी हूँ, उसे ये कहने की हिम्मत हुई मैं एक अछूत से प्यार करती हूँ, जरूर तुमने मेरी बेटी पर कोई जादू किया है, मारो मारो इसे मारो। बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ दो, तुम हट जाओ यहाँ से। बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ पड़ती हूँ, छोड़ दो बाबा छोड़ दो। मैं बाबा से नहीं कह सकती, किसका सहारा लूं? तुमने तो बहुत कम सोचा संध्या, मारपीट पर बात खत्म नहीं होगी, मैं जिंदा जला भी जा सकता हूं, मैं इसके लिए तैयार भी हूं, पर उस आंख की आंच तुम पर भी आएगी और ये मुझे मंजूर नहीं। आज तक यही होता आया है, जिंदगी में मैंने जो चीज भी हासिल की है, चोरी से झूठ से, सजा सिर्फ मुझे अकेले को मिली है, मेरी कला को नहीं, मेरी शिक्षा को नहीं, पर अब तुम्हारे साथ सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी सजा मिलेगी। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। जिस खुशी के लिए हर पल प्रार्थना करता हूं उस खुशी को बनवास नहीं संध्या, मुझे बनवास भी मंजूर है। तुम्हें लेकर भाग जाना इस समस्या का हल नहीं है संध्या। अगर हम अपने जन्म का सत्य बताकर इस गांव में नहीं रह सकते तो फिर इस संसार में कहीं और भी नहीं रह सकते। या तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, या तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं हरिजन नहीं हूं। तो क्या ये जीवन जिसका आधार झूठ हो इस लायक है कि कोई उसे जिए? इस देश में ना मैं अकेला हरिजन हूं और ना ही तुम अकेली ब्राह्मण हूं, हम दोनों एक संघर्ष का हिस्सा है। इस महायुद्ध में सुलह तो नहीं हो सकती संध्या, या हारोगी या जीत। तो फिर मैं क्या करूं? अपने नाना और पिता का कहना मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो और उससे शादी कर लो। क्यों? वो बदसूरत है, अनपढ़ है, बुरे खानदान का है, नीच जात का है। नहीं। तो फिर ब्याह कर लो और मां बनो, अपने बच्चों को शिक्षा दो कि जन्म से ब्राह्मण होने में कोई बढ़ाई नहीं है, इंसान को कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए।
युग से मैं तरसा शेरा वालिए, दर्शन को तेरे मैं जोता वालिए। एक युग से मैं तरसा शेरा वालिए, दर्शन को तेरे मैं जोता वालिए। पहाड़ा वालिए, दिलासा वालिए, एक युग से मैं तरसा शेरा वालिए, दर्शन को तेरे मैं जोता वालिए। तेरी पूजा अब तो जीवन मेरा, तेरी भक्ति तेरी पूजा अब तो जीवन मेरा। तेरे कदमों पे दम निकले मन चाहे ये मेरा। ओ हो हो, दर्शन के प्यासे भक्तों ने कैसे तुझे पुकारा। एक युग से मैं तरसा शेरा वालिए, दर्शन को तेरे मैं जोता वालिए। कुछ संभव हो सकता है अद्भुत तेरी माया, सब कुछ संभव हो सकता है अद्भुत तेरी माया। रूप अनेकों घेरे है तूने बदली कितनी काया। ओ हो हो, इन भक्तों ने है पुकारा। एक युग से मैं तरसा शेरा वालिए, दर्शन को तेरे मैं जोता वालिए। एक युग से मैं तरसा शेरा वालिए, दर्शन को तेरे मैं जोता वालिए। पहाड़ा वालिए, दिलासा वालिए, बैंगन सस्ता है माजी, चाहिए? नहीं बाबा, बस। जीती रहो बेटी, आज नंदू दिखाई नहीं दिया, क्या सुबह सुबह मंदिर चला गया है? जी मुझे पता नहीं। अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई, अब कम से कम घर तो आया करेगा, नहीं तो 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता अपनी देवी माँ के पास। माजी माजी, क्या है? बाबा ने कहा है कि छोटी बहू को बुला लो मंदिर में। कहना अभी आ रही है, तुम जाओ। बहू जल्दी भेजेगा। हाँ हाँ भेजती हूँ, तुम जाओ। जाओ बहू, इस घराने की परंपरा है कि नई बहू नदी का पानी लेकर मंदिर जाती है और उसी पानी से देवी माँ का स्नान होता है। जाओ बेटी, जल्दी जाओ। Thank you.
पंडित जी मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई, आशीर्वाद दीजिए। अरे तुमने कभी सुना है सुहाग रात को पति मंदिर के पीछे और पेड़ के नीचे अकेला रात काटे? तुम किसकी बात कर रही हो? अगर आज की रात भी उसने पेड़ के नीचे काटी तो कल बताऊंगी। हाँ हाँ, चार चम्मच है याद रखना। अच्छा। अरे जाओ जाओ आगे जाओ। फूलन फूलन, मैं हूँ तुम्हारा लड्डू गोपाल फूलन फूलन। कहाँ थे आप इतने दिन, मेरी याद आपको कभी नहीं आई? क्या हालत बना रखी है आपने? अरे इधर उधर क्यों घूम रहे हो? मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। ऐसा मत कहिए, सुबह का भुला शाम को घर आए तो उसे भुला नहीं कहते, पति पत्नी के बीच में से होता ही रहता है। आइए अंदर आइए। ये क्या, ये शराब का है? नहीं पानी, चार दिन से कुछ सिर्फ इसमें पानी। भूख लगी है? पूरी भाजी लाओ। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ फूला, थोड़ी लस्सी ले आना मीठी। हाँ आप आराम कीजिए। हाँ फुलन, अरे ओ फुलन, तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ, तेरा पति मर गया। क्या? फुलन का पति मर गया? तुमने उसको देखा? नहीं मैंने उसको कभी देखा तो नहीं, लेकिन खबर आई है कि वो मर गया। फूलन विधवा हो गई। अरे विधवा नहीं तो क्या, रंडवा हो गई। वो कैसे मरा? आत्महत्या करके? बीमारी से? एक्सीडेंट से? तो फिर बताता हूँ, अंधेरी रात थी, वो दारू पी के लेटा हुआ था, बिजली कड़क रही थी, हवा साए साए कर रही थी, पूरे कुत्ता रोया, दरवाजा आहिस्ता से खुला, तीन गुंडे वो जहां सोया हुआ था उसके पास पहुंच गए, उसकी चादर खींची, वो जग गया, जागते उसका गला पकड़ लिया और दबा दिया। अरे गला मेरा दबा रहे और चीक तुम रहे हो, मैं चीकूंगा। चुप, गला तुम्हारा दबा रहा है, तुम कौन हो? मैं वही जो मर गया, फूलन का पति लड्डू गोपाल। साले तेरी हैसियत ही क्या जो तू फूलन का पति कहलाए, तेरी औकात ही क्या जो तू फूलन का पति कहलाए, चल निकल घर के बाहर निकल। फूलन, आप मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? ये तुम्हारा पति है? हाँ। तुम्हारी शादी इस नमूने के साथ हुई है? हाँ। अरे जो आदमी शादी के कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाए क्या उसे पति कहते हैं? अरे कई लोग तो सुहाग रात को ही अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते, उनको क्या कहेंगे? कौन छोड़ के चला गया सुहाग रात को? वही आपके छोटे भगवान। छोटे भगवान? छोटे भगवान क्या बात है, आप मेरी सोने की जगह पे, वो भी शादी की दूसरी रात को? जाइए जाइए घर जाइए जाइए। नहीं देवा, मैं वो आहा, समझ गया वो दादाजी ने आपको सिर्फ वेद शास्त्र सिखाया है, काम शास्त्र नहीं सिखाया, मैं सिखाता हूँ। नहीं देवा ये बात नहीं है, कल रात जब मैं घर गया मुझे संध्या में देवी दिखाई दी। सो तो हो गई, बचपन से तुम्हें मंदिर की चार दीवारों में पाल पोसकर बड़ा किया, 24 घंटे तुम्हारी नजरों के सामने देवी माँ की आरती होती है। अगर तुमने बाहर की दुनिया देखी होती ना जैसे मैंने देखी है तो तुम ये सब नहीं कहते, समझे? अपने भगवान है ना भगवान,
उन्हें भी साल में एक बार रथ में बिठाकर बाहर की दुनिया दिखाने ले जाते हैं। अरे ये सब तुम्हारा वहम है वहम, ये देवी वेवी कुछ नहीं होती। जा जा घर जा। अरे भाई जाना, वो इंतजार कर रही होगी। जा गांव के कोने कोने में क्या चर्चा हो रही है, हर जबान पर कौन सी बात है, सिर्फ तुम्हारी, तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारी नंदू से बनती नहीं। बिना आग धुआ नहीं होता संध्या, तुम तो इस घर का वातावरण देख गई थी। मेरा नंदू पसंद नहीं था, तुम मना कर दिया होता शादी के लिए। हम तो तुम्हें अपनी समझ कर ले आए थे, और तुम हो जो अपने पति पर कमरे का किवाड़ बंद कर देती हो। क्या किया है मेरे नंदू ने, क्यों उसके जीवन से खेल रही हो? देखो अब तुम ब्याहता हो, अपनी रंगमंच की दुनिया को भूल जाओ और घर गृहस्थी संभालो। इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। इस समय कोई बात है, लोग ताना दे रही हैं। मामी ने सांस बनकर मुझे ऐसा क्या कर दिया है मैंने, अब भी तो दूर है। मुझे अपने दोष का पता चले तो मैं क्षमा मांगू, अपने को सुधारने का प्रयत्न करो, पर यू बिना कुछ जाने कुछ समझे क्या करूं मैं? सहते के लिए किसकी तरफ देखूं मैं? आपके सेवा कौन है मेरा, कौन है पता नहीं। जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगा।
रात के वक्त वो भी बारिश में नृत्य करना बड़ी अजीब सी बात है। नंदू, कोई बात है? ये भी तो कुछ नहीं बताता। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहू पर किसी प्रेत आत्मा का असर है। महंत जी, हम क्यों नहीं इन दोनों से देवी माँ के पेड़ पर मन्नत का झूला बनवाए? मेरा ख्याल है महंत जी सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाभी जी? हाँ, ये भी ठीक है। ये लो, बांधो। क्या हो गया बेटी को? तुम जरूर कुछ जानती हो, क्या बात है? आप पूछ रहे हैं तो बताती हूँ। छोटी बहू जब नृत्य के कार्यक्रम के लिए आई थी तो दूसरे दिन छोटी बहू और बंसीवाला यहाँ आए थे। इस पेड़ की शक्ति के बारे में सुनकर उन्होंने मुझसे एक मन्नत का झूला मांगा और बंसीवाले ने छोटे बहू से कहा, ये समाज तो हमें एक होने नहीं देगा, इस पेड़ पर झूला बांधकर देखते हैं इस पेड़ में कितनी शक्ति है। तू यहाँ पानी भर रही, वहाँ नंदू बीमार संध्या को लेके कहीं चला गया। क्या कह रहा है? हाँ, हम दोनों पवित्र मन से मंदिर में देवी माँ के सामने खड़े हैं, इसलिए आज जो कुछ भी पूछूंगा
बिना किसी संकोच के मन की सच्चाई बताना। ये मेरी माँ है, यहीं पला हूं मैं। बचपन से मुझे सिखाया गया है कि जिन पर तुम्हारा अधिकार नहीं वो तुम्हारे लिए देवी है, और मैं तुम में देवी देखता हूं। तुम किसी और की हो संध्या, कौन है वो? मैं अब आपकी हूं, साथ मेरे आपके साथ लिए हैं। ये मंगलसूत्र आप ही ने पहनाया है, ये सिंदूर आप ही ने मेरी मांग में भरा है। विवाह सात फेरों से नहीं होता है संध्या, ये मंगलसूत्र पहनने से नहीं होता, मांग में सिंदूर भरने से नहीं होता है। विवाह होता है आठवें फेरे से, जहां पंडित की आवाज भी नहीं पहुंचती है, और वो है मन का फेरा, जो तुमने मेरे साथ नहीं लिया। तुम तो उसी की हो जिसके साथ तुम आठवां फेरा ले चुकी हो। नहीं, अब मेरे जीवन में आपके सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं। मैं जीवन की नहीं, मन की बात कर रहा हूं संध्या। क्या तुम्हारे जीवन की तरह तुम्हारे मन में भी मेरे सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं? मन तो विवश होता है, परंतु मन में साझेदारी नहीं चलती है संध्या। तुम्हें वो जो भी हो उसी के पास लौट जाना चाहिए। किसके पास संध्या को लौटाने की बात कर रहे हो? वही जिसके साथ संध्या का विवाह हो चुका है। विवाह? ये तू क्या बोल रहा है नंदू? संध्या का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है? हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरों का विवाह तो हुआ है, लेकिन आठवां फेरा नहीं हुआ है बाबा। आठवां फेरा? आठवां फेरा ही तो पुरुष और स्त्री के जीवन का अर्थ है, और फिर आप ही ने तो सिखाया है बाबा कि विवाह दो बदन का मेल नहीं, दो आत्माओं का मेल है। वैवाहिक जीवन मंत्रों का संबंध नहीं, मनों का संबंध है। लेकिन तुम्हारे कहने से वैदिक मंत्रों से जुड़ा हुआ संबंध नहीं तोड़ा जा सकता। वैदिक मंत्र रटने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। जिसे लोग सिर्फ रटते हैं, कितने विवाहित जीवन इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि वो अपने मनों को दबाकर मंत्रों की आवाज में उलझ जाते हैं। नंदू, ये तो क्या कह रहा है? तेरा विवाह संध्या से हो चुका है और ये तेरी पत्नी है। अगर संध्या मेरी पत्नी है माँ, तो मैं इसमें देवी क्यों देखता हूँ? जब भी कमरे में जाता हूँ तो देवी माँ मेरे सामने खड़ी हो जाती है। हाँ बाबा, मैं संध्या में देवी देखता हूँ, इसलिए छू नहीं सकता। आप चाहते हैं कि संध्या अपना सारा जीवन इसी तरह बिताती रहे, सिर्फ ये सात फेरों के लिए? नहीं बाबा, संध्या उसी की है जिसे उसने अपने मन से मान लिया है। बड़ों के डर से संध्या उस वक्त अपनी मन की बात किसी से कह नहीं पाई होगी बाबा। कौन है वो? हरिजन? छी छी, एक ब्राह्मण की लड़की और शूद्र के घर, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ नंदू, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो आप ही जाने बाबा। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शूद्र कौन है? तू है शूद्र। तू जनात को बाबा ने क्या इसी दिन के लिए पाला और ज्ञान दिया कि मंदिर में रहकर मंदिर की दीवारों को हिला दे? बोल। कौन शूद्र नहीं है, हम सब जन्म से शूद्र हैं। मैं, आप, बाबा, पिताजी। नंदू ठीक ही तो कह रहा है, क्या मनुस्मृति में नहीं लिखा, जन्मना जायते शूद्रहा संस्कारात् द्विज रज्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते, ब्राह्मण तो सिर्फ संस्कार से बनते। तू चुप कर। नहीं पिताजी। बाबा। क्यों बाबा, क्या ये ठीक नहीं? विशु और मित्र शूद्र नहीं थे? क्या वो अपने कर्मों से ब्राह्मण नहीं बने थे? क्या तू बाबा को सिखा रहा है, है? नहीं, जो कुछ भी बाबा से सीखा है उसकी परीक्षा दे रहा हूं। बाबा, हम सब मनुष्य हैं। संध्या ने जिसे अपने मन से स्वीकार किया है वो भी मनुष्य है, और अगर यह सत्य है तो संध्या के जीवन का निर्णय आप पर है बाबा। विवाह मंत्रों का संबंध नहीं, मनों का संबंध है। हम सब जन्म से शूद्र हैं, अपने कर्मों से ब्राह्मण ब्राह्मण बनते हैं। मैं संध्या में देवी देवी देखता हूं। जिसे संध्या ने अपने मन से माना है वो शूद्र नहीं, मनुष्य मनुष्य है।
वो किसी और की है बाबा, वो किसी और की है। समाज के इस कठोर निर्णय को तोड़ने के लिए मैं नंदू के इस निर्णय से सहमत हूं। ये आप क्या कह रहे बाबा? वही जो तुम नहीं कह पाए, मैं नहीं कह पाया, हम में से कोई नहीं कह पाया। हमने सिर्फ पढ़ा, पढ़ाया, लेकिन समझा सिर्फ नंदू ने। हां नंदू, धर्म के स्वयं अहंकार ने, समाज के कठोर रीति रिवाज ने मेरे साहस पर बेड़ियां बांधी थी। तुमने वो बेड़ियां तोड़कर मेरी आत्मा को जगाया है, इंसानियत को जगाया है। महन जी नंदू की बातों में आ गए हैं। हमें नंदू की जान की परवाह नहीं है, लेकिन हम गांव में यह अनर्थ होने नहीं देंगे। हाँ। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्या बात? हरी हरी हरी, जल्दी चलो तुम मेरे साथ, नंदू की जान खतरे में। वो जो कदम उठा रहा है गांव वाले उसको मार देंगे। नंदू, ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो मुझसे कुछ छीन भी नहीं सकता। आज अगर मेरी खुशी के सुहाग को कुछ हो गया ना, मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूं। हमारे होते संध्या नदी पार नहीं करेगी। हाँ। बस बाबा, और आगे मत बढ़िए। मैं नहीं चाहता कि ये मैदान कुरुक्षेत्र बन जाए। हाँ मोहन जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। मैं कहता हूँ बाबा, और आगे मत बढ़िए। बाबा रुक जाइए। मैं कहता हूँ रुक जाइए। नंदू रुक जाओ। यही है वो मुसीबत, यही है वो छूत। मारो इसे, मारो। Thank you.
अरे 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 ये क्या हो गया हरी? ओम तत्त्वमसि ओम तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्मा सर्वं खल्विदं ब्रह्मा अहं ब्रह्मास्मि हरि गुरुजी गुरुजी चाहते थे वही हुआ, जो मैं चाहता था मैंने किया। अब लाओ वो ब्राह्मण लकड़ी, लाओ वो हरिजन लकड़ी इनके अंतिम संस्कार के लिए। जाओ जाकर हर पेड़ से पूछो कि तुम्हारी जात क्या है। इनकी अर्थी की राख जब मिट्टी में मिल जाएगी तो उस मिट्टी से पूछना कि तुम्हारी जात क्या है। इनकी राख जब नदी में बहाने ले जाएंगे तो उस नदी से पूछना कि तुम्हारी जात क्या है। सब चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहेंगे कि हम ब्रह्मा की सृष्टि हैं, हम एक हैं, और हम जो मनुष्य हैं इस सृष्टि की सबसे बड़ी देन। हम में यह भावना नहीं है, और जब तक यह भावना हमें नहीं आएगी करते रहो ये लड़ाई, मारते रहो लोगों को, जला दो इस दुनिया को, जला दो इस दुनिया को, जला दो इस दुनिया को। इस मासूम बच्चे का इंसान की बनाई हुई जात पात की खोखली दीवारों को गिराकर हरि को गले लगाना इस बात का प्रतीक है कि आज धरती आकाश से एक ही आवाज उभर रही है जो हमेशा गूंजती रहेगी। जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान।